हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आज है संडे और संडे होता है कुछ क्यूएनए वीडियो हम करते हैं अपनी। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन जो है पिक किए हमारे व्यूवर्स के। कई बार कुछ सवाल हो जाते हैं जो मैं वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि बहुत कम टाइम मुझको मिलता है वीडियो के लिए। क्योंकि आज संडे है तो मैं फ्री हूँ, तो उनका मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ आप सभी को। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबा देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पसंद जरूर कर देना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सूरज पायल जी का, कि ट्रक की बॉडी का जजमेंट कैसे लगाएं जब हम किसी बाजार में जाते हैं। तो मैं आपको एक बात सिंपल तरीके से बताता हूँ कि देखिए, अगर आपकी गाड़ी ट्रक है या छोटी गाड़ी है, कोई सी गाड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी तो जो है बड़ी गाड़ी में ही होती है, छोटी गाड़ी में तो क्या है कि पूरा एक ही उसका जो है जजमेंट होता है, छोटी गाड़ी होती है। बड़ी गाड़ी में क्या होता है कि लंबाई ज़्यादा होती है, लेकिन जब आपकी गाड़ी आगे से निकल गई तो उसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी पीछे से भी निकल चुकी है। वो फिर आपकी प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, बस कटाई वगैरह ये करना आपको थोड़ा सा हिसाब से करना होगा। गैप देखकर जब भी आप गाड़ी को मोड़ते हैं तो पीछे की तरफ आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितना हम गैप यहाँ पे ले और किस तरीके से हमारी गाड़ी यहाँ पे कट चुकी है और कट जाएगी। तो आगे से एक बार गाड़ी निकल जाएगी तो पीछे से भी आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, जितना घबराओगे उतनी आपके साथ दुर्घटना होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सॉरी, पहला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीएस का, कि ड्राइवर लोग कैसे सोते हैं गाड़ी के अंदर। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ड्राइवर की जो है दो ही परेशानियां सबसे ज्यादा होती हैं, एक तो सोना और खाना। ये दो ही चीजें आपको टाइम पे नहीं मिल पाती है जो ड्राइवर लोग होते हैं, और उनको जो है फुल सुविधाएं होती हैं, बहुत ही बढ़िया उनका काम होता है, सब कुछ वह आसानी से कर लेते हैं। लेकिन नहाना, अगर यहाँ लंबी गाड़ी चलती है तो अगर मान लीजिए दिल्ली में नहा लिए और कहीं और जयपुर में जो है उन्होंने खाना खाया, तो ऐसा भी हो सकता है लंबी गाड़ी आप चलाओगे तो। अगर छोटी गाड़ी चलाते हो तो घर के घर अगर आप हो तो सुबह शाम खाना भी खा सकते हो, नहा धो भी सकते हो। तो ये बात आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अंकुश अंकुश का, कि ट्रक में कम प्रेशर कैसे बनता है। तो आपका मुझे कुछ कमेंट समझ में नहीं आया है कि कम प्रेशर तो इसलिए बनता है कि अगर कोई वायर लीक हो जाए प्रेशर की, या फिर ज़्यादा हीट गाड़ी हो जाती है, ज़्यादा जो है गर्म गाड़ी होने से भी उसका कंप्रेसर चला जाता है, डाउन चला जाता है। अगर प्रेशर आपको बढ़ाना है तो 10 मिनट गाड़ी को जो है स्टार्ट रखिए, आपका प्रेशर जो है पूरा हो जाएगा। 6 का टेम्परेचर या फिर 6 का प्रेशर आपका जरूर होना चाहिए। 6 प्रेशर होगा जब भी आपकी गाड़ी आगे की तरफ चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो 6 का प्रेशर रखिए। जब आप गाड़ी को शुरू में स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा देर रेस दबा लीजिए, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो 10 मिनट खड़ा रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भाई कहाँ से हो आप? तो ये क्वेश्चन है विजय कौर जी का, कि आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो। तो मैंने अभी तक किसी वीडियो में आपको नहीं बताया कि मैं कहाँ से हूँ, कौन से स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको मेरी बोली से या आवाज़ से कुछ तो प्रतीत होता हो कि भाई की आवाज़ कहाँ से है। तो मैं हूँ हरियाणा से, मैं हूँ और हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा में बहुत से स्टेट आते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेट भी बता देता हूँ, रेवाड़ी मेरा स्टेट है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राबिर हर्षित जी का, कि हमें एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए या नौकरी लगने के लिए, मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी कि आप फौज की नौकरी में भी जो है ड्राइविंग की गाड़ी की नौकरी हो सकती है, होती है, और बहुत से जो है नौकरी करते हैं। तो ये पूछते हैं कि 10वीं हमारे लिए जरूरी है या फिर नहीं, 10वीं हमारे पास होनी चाहिए। तो आपके पास 10वीं जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं नहीं होगी तो आप कोई परीक्षा नहीं दे सकते, ना कोई लाइसेंस बनवा सकते हो, आपके साथ कोई कार्य बनता ही नहीं है 10वीं के बिना। तो आपको 10वीं की सर्टिफिकेट जरूर होनी चाहिए आपके पास, उसमें नंबर भी आपके जो है 40 से ऊपर नंबर होने चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो। तो ये कुछ सवाल थे। तो अगली वीडियो भी अगर आपके कुछ सवाल होते हैं तो इस वीडियो के अंदर डाल दिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स बनाऊंगा तो उसमें अपने कुछ जो है कमेंट वो मैं ले लूँगा। तो यही थोड़ी सी नॉलेज थी, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबा दें। चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं।